इतनी कंप्लेनों के बाद भी देख लो सीवर की व्यवस्था कैसी है। जब सीवर साफ नहीं होगा लोगों की जिंदगियां क्या रहेंगी। और ये सारे काम दिल्ली जल बोर्ड वाले लोगों ने खोल के दिखाए हैं, क्योंकि पहले तो यहाँ पानी की समस्या सबसे बड़ी है कि लोगों को पीने को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता, पहुँच पाता। अब पहाड़ी होने के बाद यहाँ से सीधा ढलान है, देख लो ये लेवल देख लो, लेकिन ये मलबे और ये पूरा सीवर डैमेज है। पिछले 12-15 सालों से हम इस बारे में शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस पूरे ढलान के बाद भी देखो यहाँ पे कैसा बुरी हालत है, पानी आ रहा ना सीवर से ही हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, टूटा हुआ पूरा डैमेज सीवर है, जिसकी वजह से ये पूरे मकानों में पानी लोगों के मर रहा है। आप देखो यहाँ से कितनी ऊंचाई होने के बावजूद भी वहाँ पे भी, और ये पूरा जहाँ से पूरी ढलान है उसके बाद भी यहाँ पर आप देख लो कि ये सीवर कहीं कोई पानी नहीं आ रहा, और वो तमाम पानी वहाँ पर रुका हुआ है। तो ये यहाँ के सीवर की व्यवस्था है, जिसको मैंने कई बार रिमाइंड करा दिया एमसीडी के। और उसके बाद ये देखो इस सीवर से यहाँ से ये पानी पूरा इस बिल्डिंग के अंदर में, इस मकान के अंदर में पूरा पीछे से, जो जिस वीडियो के आधार पर जल बोर्ड वालों ने यहाँ पर पानी लीकेज और पानी वेस्टेज की समस्या को खुदाई करी थी। तो मैं नंबर दे दूँ, चलो ठीक है।